कार दोस्तों, स्वागत है कार लक्ष्मी की एक और नई वीडियो में। तो भाई अभी अपने सामने है एमजी की हेक्टर पेट्रोल में, भाई अपने सामने है जिसका भी पेट्रोल सार वेरिएंट प्रो अपने बीच में है, जो कि भाई इसका एक छोटा सा वॉकआउट रिव्यू करने की कोशिश करेंगे, जिसमें जानेंगे गाड़ी में क्या क्या आपको जो है फीचर देखने को मिलेंगे और क्या जो है प्राइस देखने को मिलेगी। भाई अगर प्राइस की बात करें तो 21,84,000 रुपये का एक्सोरूम प्राइस देखने को मिलेगा इस एमजी हेक्टर ऑटोमेटिक के साथ है भाई, जिसका फ्रंट फेस या कुछ इस तरह से आप जो है देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है डे टाइम रनिंग लाइट के साथ भाई जो है टर्निंग इंडिकेटर देखने को मिलेगा, और जो गाड़ी का भाई फ्रंट का लुक है वो काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ से आपको एमजी की बैजिंग और साथ में भाई सामने से आपको जो है एक अच्छी खासी क्रोम फिनिश के साथ ग्रिल जो है देखने को मिलेगी, और फ्रंट में भाई जो है नीचे से छोटा सा सिल्वर क्रोम के साथ एडम देखने को मिलेगा। और लाइटिंग की अगर बात की जाए तो भाई यहां से आपको जो है एक अच्छी खासी जो है लाइटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं डीआरएल के साथ भाई यहां पे प्रोजेक्टेड हेडलैम्प और नीचे से फॉग लैम्प की हाउसिंग देखने को मिलती है, जो कि भाई एमजी अपने सेगमेंट में सबसे बढ़िया जो है कॉस्मेटिक में काम करने वाली भाई पहली जो है गाड़ी है, क्योंकि अपने मार्केट में बात की जाए ना इतने कम प्राइस में और इतने अच्छे खासे फीचर भाई जो है कोई भी इस गाड़ी के साथ नहीं दे सकता। फटाफट से अगर बात करें गाड़ी की, तो भाई फटाफट से बात कर लेते हैं गाड़ी की जो है लेंथ विथ के बारे में। अगर गाड़ी की भाई जो है लेंथ की बात की जाए तो 4699 mm की लेंथ और जो है 1835 mm की विड्थ और 1760 mm की जो है हाइट देखने को मिल पाएगा। उसी के साथ अगर व्हील बेस देखा जाए गाड़ी का तो भाई 2750 mm का जो है व्हील बेस आपको देखने को मिल जाएगा, और जो गाड़ी के मेन पार्ट है भाई वो है गाड़ी का इंजन। तो गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 1451 cc यानी कि 1500 cc इंजन देखने को मिलेगा, जो कि जनरेट करता है 143 bhp की पावर 5000 rpm पे और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क 3600 rpm पे। फिलहाल कुछ अगर साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आप जो है देख सकते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल, जो कि काफ़ी खूबसूरत निकल के आती है। टायर साइज आप यहां से देख सकते हैं, जो कि डायमंड कट अलॉय के साथ एक अच्छा खासा जो है आपको टायर साइज भी देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे भाई आपको जो है डायमंड कट अलॉय के साथ 18 इंच का टायर साइज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेगा, डोर हैंडल मिरर बॉडी कलर कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको जो है लॉक अनलॉक के लिए भाई जो है पुश बटन स्टार्ट के लिए सेंसर भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ऊपर से रूफ रेल और सार्फिन एंटीना जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। पीछे से अगर रियर लुक की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आपको जो है देखने को मिलेगा रियर का लुक, क्योंकि पीछे से जो भाई लाइटिंग है वो कनेक्टिंग डीआरएल्स कुछ इस तरह से इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। पीछे से एमजी हेक्टर की बैजिंग और नीचे से जो है भाई आपको रियर पार्किंग सेंसर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल पाएगा कैमरा। और भाई कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं जो है गाड़ी का बूट स्पेस कुछ इस तरह से आपको जो है देखने को मिल पाएगा, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं आपको स्पेस भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं स्पेसियस गाड़ी है, बूट स्पेस आपको जो है अच्छा खासा देखने को मिल पाएगा। और जो भाई इसका बूट है वो ओपन करने के लिए सिर्फ बटन दबाने और वो जो है ऑटो ऑन और ऑफ भी हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं इसको सिर्फ यहाँ से आपको जो है पुश करने हैं और ये इजीली जो है यहाँ से नीचे जो है आने लग जाएगी, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये एक एमजी हेक्टर में मेरे को एक बेहतरीन फीचर जो है देखने को मिला, जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है। 6 लीटर की यहाँ पे आपको जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। पर्सनली अगर रियर प्रोफाइल और साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो वो यहाँ पे आपको जो है बेहद खूबसूरत देखने को मिल पाएगी। बाकी लुक्स के मामले में अपनी अपनी जो है अलग अलग चॉइस जरूर हो सकती है। ऊपर से सार्फिन एंटीना और रूफ रेल्स के लिए भाई जो है काफ़ी बढ़िया जो है इस गाड़ी का एक लुक आ जाता है, जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं, जो कि पर्सनली मेरे को काफ़ी बेस्ट लगा इस गाड़ी का जो है भाई फ्रंट फेस। या तो भाई देर ना करते हुए बढ़ते हैं गाड़ी के जो है इंटीरियर की ओर, कि किस तरह से आपको जो है इंटीरियर देखने को मिलेगा। तो भाई इंटीरियर कुछ इस तरह से आपको जो है देखने को मिलेगा। डोर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो है डोर कुछ इस तरह से और जो है चारों पावर विंडो कुछ इस तरह से देखने को मिल पाएंगे, जो कि काफ़ी स्पेसियस है। सीटिंग कम्फर्ट कुछ इस तरह से आपको जो है इलेक्ट्रिक सीट देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी बेस्ट यहाँ पे लगती है। इसको यहाँ से करते हैं ऑफ और भाई बढ़ते हैं गाड़ी के जो है अगले मेन पार्ट की ओर। तो कुछ इस तरह से आपको भाई इसकी गाड़ी की कीवी देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी बेस्ट है। इसको यहाँ पे रखते हैं और गाड़ी का जो है इंजन करते हैं एक बार ऑन, जो कि किस तरह से आपको जो है देखने को मिल पाएगा। तो भाई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इस तरह से आपको जो है देखने को मिल पाएगा, जिसमें आपको कितने फील्ड में कितने किलोमीटर चलेगी, क्या ट्रिप है, वो सारी चीजें भाई आपको जो है इसमें देखने को मिल पाएंगी। फिलहाल जो इसका बेस्ट पार्ट है वो है गाड़ी का जो है
म्यूजिक सिस्टम जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम की डिस्प्ले यहां पे आपको जो है बेहद बड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में आपको जो है इस टाइप की म्यूजिक सिस्टम की डिस्प्ले भाई जो है देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं, जो कि काफी बेस्ट है। फिलहाल डैशबोर्ड अगर देखा जाए कुछ इस तरह से, तो पर्सनली मैं बताऊं गाड़ी का डैशबोर्ड जो है मेरे को काफी बढ़िया लगा, और एसी के जो कंट्रोल्स हैं वो कुछ इस तरह से आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। अगर बात की जाए तो स्टीयरिंग यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, सारे कंट्रोल्स यहाँ पे आपको जो है इसमें यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी बेस्ट है। और जो डिस्प्ले है भाई जो वो कुछ इस तरह से है, जो कि काफी मेरे को बढ़िया लगी डिस्प्ले। यहाँ से कुछ कंट्रोल इसके यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल पाएंगे, जो कि काफी बढ़िया है। यहाँ से आपको जो है पार्क असिस्ट वगैरह वगैरह सारे ऑप्शन जो है रियर एसी चलाने के लिए, और यहाँ से आपको जो है हैंड रेस्ट वगैरह जो कि देखने को मिल जाएगा, जो कि एडजस्टेबल है। यहाँ से आपको जो है 12 वोल्ट का चार्जर और पर्सनल कैबिन वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। अगर बताया जाए तो भाई ये गाड़ी जो है अपनी मार्केट में पहली ऐसी गाड़ी है जिसने इतने बढ़िया जो है फीचर दिए हैं। यहाँ से आपको जो है सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, और जो है सनरूफ अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से आपको जो है इस गाड़ी में देखने को मिलेगा भाई सनरूफ, जो कि काफी खूबसूरत लगता है मेरे हिसाब से। और इसको यहाँ से आप जो है इजिली बंद भी कर सकते हैं, जो कि काफी बेस्ट पार्ट है। और यहाँ से आप इसको इजिली बंद भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ से ऐसे बंद हो जाता है। यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ इस गाड़ी के साथ देखने को मिलेगा। गियर नॉब की बात की जाए तो यहाँ से आपको जो है भाई बढ़िया सी एक गियर नॉब भी देखने को मिल पाएगी, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं। ग्लव बॉक्स कुछ इस तरह से आपको जो है देखने को मिलेगा, जो कि काफी स्पेसियस रहने वाला है। और यहाँ पे आपको जो लेयर है वो सॉफ्ट टच लेदराइज लेयर रहने वाली है, जो कि काफी बेस्ट है। और यहाँ से एसी के कंट्रोल्स काफी बढ़िया लगे, और जो टच डिस्प्ले का रिस्पॉन्स है वो भी काफी यहाँ पे मेरे को बढ़िया लगा, जो कि सारा कुछ यहाँ पे टच पैनल देखने को मिलेगा। और जो इसका सेंटर कंसोल है वो कुछ इस तरह से आपको जो है देखने को मिल पाएगा। फिलहाल इन सारी चीजों की बात हमने यहाँ से कर ली, गाड़ी को यहाँ से कर देते हैं और बढ़ते हैं रियर कैबिन स्पेस की ओर, की रियर में कितना क्या हमें जो है स्पेस देखने को मिल पाएगा। तो भाई यहाँ से आप देख सकते हैं पूरे डैशबोर्ड का जो है ओवरव्यू कुछ इस तरह से आपको जो है देखने को मिल पाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं गाड़ी की जो है रियर की ओर, की रियर में आपको जो है किस तरह से कितना स्पेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जगह जगह से वुडन फिनिश जरूर देखने को मिल पाएगी, और पीछे से भाई जो है आपको कैप्टन सीट के साथ रियर एसी बेंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्पेसियस काफी है भाई जो है इस कैप्टन सीट के साथ, यहाँ पे आपको जो है अलग अलग स्पेस जरूर कैप्टन सीट के साथ भाई बढ़िया एक स्पेस देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा लगेगा इस गाड़ी में यार की गाड़ी नहीं है भाई, 5 स्टार कोई होटल है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। काफी बेहतरीन जो है इस गाड़ी में मेरे को इसका डैशबोर्ड लगा, और जो स्पेस है काफी बढ़िया है। यहाँ से आप देख सकते हैं पीछे की 2 सीटें यहाँ पे आपको कैप्टन सीट देखने को मिलेंगी, और रियर में 2 सीट आपको जो है वो बेंच वाली देखने को मिलेंगी। यानी कि अपने बीच भाई जो है हेक्टर का सार प्रो प्लस वेरियंट 6 सीटर के साथ है, जो कि भाई काफी बढ़िया प्राइस में और काफी अच्छे खासे स्पेसियस काफी बढ़िया जो है प्रीमियम गाड़ी इतने प्राइस में आपको जो है देखने को मिली। फिलहाल भाई बात करें म्यूजिक सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको जो है एक अच्छा खासा म्यूजिक सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। तो भाई ये पीछे से आपको जो है कुछ इस तरह से लुक देखने को मिलेगा डिफॉगर वाइपर के साथ। तो भाई यही था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।